लोगों तीन बात समझ ऐसे कर ले। हमारी चेयरमैन साहब से लंबी बात, सेक्रेटरी साहब से, हम तो ये तय किए थे कि हम लोग को अनिश्चितकालीन गांधी थॉट पर आगे में बैठ जाना है भूख हड़ताल। लेकिन चेयरमैन साहब से जो डिटेल बातचीत हुई, इनमें इनका दो तीन, एक तो एक रेलवे बोर्ड ने एग्जामिनेशन को स्थगित कर, रेलवे बोर्ड ने एग्जामिनेशन को स्थगित कर दिया, कमिटी बना दी 5 सदस्य जिसमें ऑनलाइन उनको भी सुनेंगे जो कंप्लेंट वो बात करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ वही, हम लोगों ने आग्रह किया है कि स्टूडेंट लीडर भी 4-5 आप उनको ऑनलाइन सुन भर चुके। एक दूसरी चीज, ग्रुप डी का भी एग्जामिनेशन रोक दिया गया। ग्रुप डी में जो गलत, मतलब ये सबसे बड़ी आपत्तिजनक ऑर्डर थी मेंस और पीटी का, और उसके बाद फिजिकल और मेडिकल का, 4-4 एग्जामिनेशन ग्रुप डी में, ये कहीं से भी बच्चों के लिए सही नहीं था। तो उनकी वो 5 कमेटी वो भी जांच करेंगे। तीसरा ये था कि एग्जामिनेशन यदि सारे 1 करोड़ लोगों ने एप्लीकेंट थे, तो उसमें 20 गुना ये था कि बढ़ाया भी जा सकता है घटाया भी जा सकता है। कंफ्यूजन यहाँ है कि क्या कारण है कि उसको, इनका कहना है, स्टूडेंट का कहना है कि 4.5 गुना, लेकिन चेयरमैन साहब का कहना है कि 10 गुना पर हम लोग रिजल्ट को निकाले हैं, 3.5 लाख 3 लाख 45 हजार या इसी ड्यूरेशन में 84 के लगभग ये ड्यूरेशन है, 7 लाख है लास्ट, तो इन्होंने 10 गुना पर 3.5 लाख के लगभग। तो अब कंफ्यूजन यही है स्टूडेंट को था कि जब हम एग्जामिनेशन दिए तो आप 20 गुना को 4 गुना करिए, इनका कहना है कि 10 गुना हमने किया है, 3.5 लाख पर रिजल्ट की बात हुई है और 3.5 लाख जो 7 लाख का लास्ट ड्यूरेशन था वो नहीं आ पाया। तो स्टूडेंट तो 3 साल से वेट कर जाते हैं, 2 साल वेट कर जाते हैं। सेकेंड कंफ्यूजन था कि आप फर्स्ट एग्जामिनेशन में ही कट ऑफ आप ले लिए, तो अब इनका कहना है कि स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट इतना जीनियस हाई नंबर्स ले आएगा कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया, स्टूडेंट का कुछ अलग कहना है। तो अब कमिटी बन गई है, एग्जामिनेशन रोक दिया गया है, आते ही सुबह सबसे पहले मेरा आग्रह चेयरमैन साहब से यह है कि बच्चे पर एफआईआर बहुत हो गए हैं, आप उसको देख लीजिए, और या जो कंफ्यूजन पैदा किया गया था जो रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी, ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन 2 चीजें बहुत क्लियर हो गई, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, कमिटी बन गई, बच्चों को सुना जाएगा, ग्रुप डी का भी एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, उसमें भी सुने जाएंगे, तो इस ये बहुत क्लियर हो गया। हम चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन को अविलंब ये वेबसाइट पर डाल दें। इनका कहना है कि 2-3 घंटे के अंदर जो ऑर्डर्स रेलवे बोर्ड के हुए हैं वो वेबसाइट पर डल जाएंगे कैंसिलेशन का। तो अब बच्चों से हम यही आग्रह करेंगे, यदि आप जो आपके भीतर बिल्कुल था कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, और बिल्कुल यह सच है कि अब वैकेंसी नहीं है, अब नौकरी नहीं है किसी भी विभाग में, बैंकिंग तो बंद ही कर दिया, रेलवे और आर्मी के अलावे कोई उम्मीद अब इस कंट्री में मुझको नहीं लगता है कि है। बिहार की स्थिति आप जानते हैं, दुर्गति भी जानते हैं। मैं समझता हूं कि जो बात चेयरमैन साहब से हुई और जो अभी एग्जामिनेशन स्थगित किया गया है और 5 सदस्य कमिटी बनाकर ये निर्णय लिया गया है, उसमें स्टूडेंट को जो आज हिंसक आंदोलन या जिस तरीके की शुरुआत हुई थी उस पर हम लोगों को रोकना चाहिए, और पुनर्विचार करके हमको जो इन ऑर्डर्स आए उसको देखकर हमको आगे की रणनीति बनानी चाहिए। अभी निश्चित तौर पर पूरा देश आंदोलित था, चाहे वो गोरखपुर हो,
जिस तरीके से बच्चों के रूम को तोड़े गए, प्रयागराज हो, जिस तरीके से बच्चे के रूम को तोड़ तोड़ पीटे गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। उसके लिए हम लोगों की लड़ाई होगी, कोर्ट जाएंगे, परसों जोरत होगी तो हम कोर्ट जाएंगे इन सारे वायलेंस और ऑर्डर्स को देखने के बाद, और कोर्ट से हम अपने भी आग्रह करेंगे कि आखिर क्यों इसकी इंक्वायरी 5 सदस्यीय कमेटी के साथ, इसमें मॉनिटरिंग जज की भी हो, ऐसा हम चाहेंगे, कोर्ट से हम ये अपील करेंगे। क्या रिजल्ट को में जो गड़बड़ी की बातें सामने आ रही थी उस पर कोई बात हुई है? देखिए, जब कैंसिल ही कर दी गई, नहीं कुछ एग्जामिनेशन ही कैंसिल कर दिया गया, पीटी और मेंस का एग्जाम कैंसिल हुआ, रिजल्ट में जो गड़बड़ी आ रही थी भैया, एग्जामिनेशन ही कैंसिल किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, तो अब जो गड़बड़ी या सही, तो अब तो नया कमिटी तय करेगी ना, और बच्चों से स्टूडेंट से भी बात करके तब वो किस रूप से उसका लिया जाएगा। फर्स्ट एग्जामिनेशन में कटअप जो लिया गया था वो गलत था, और ग्रुप डी का तो अभी ऑर्डर आया ही था पीटी और मेंस का, तो ग्रुप डी का तो अभी एग्जामिनेशन नहीं ना हुआ। एग्जामिनेशन तो रेलवे एनटीपीसी का था ना, उसमें शंका थी कि क्या कारण है कि हमको 4 गुना कर दिया गया, क्यों ऐसा, क्या इसमें तो घपला नहीं हुआ है? तो ये चीज बहुत क्लियर चेयरमैन साहब ने कहा है, और मैं इन पर ट्रस्ट करूं और रेलवे बोर्ड के इन चीजों पर, तो मुझको लगता है कि निश्चित तौर पर हमारे बच्चों को अपनी बात कहनी चाहिए, और रेलवे से अपील करेंगे कि जहां वृक्ष होता है छाया वहीं होता है, आप ही से लोग लड़ेंगे, आप ही से उम्मीद करेंगे, थोड़ा सा बच्चों को अपनी नजरिए से, बाप के नजरिए से देखिए, और बच्चों के पास कोई रास्ता भविष्य का नहीं बचा है, इसीलिए बच्चे आंदोलित होते हैं। कुछ बातें आती है कोचिंग, बराबर ये बात आती है कोचिंग कोचिंग कोचिंग, मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ कंफ्यूजन कोचिंग से भी उठती रही है, ये बात सही है, सभी एक तरह के नहीं होते हैं। कोचिंग का मंशा क्या होता है? कोचिंग का मंशा होता है यदि 3.5 लाख पर हमारा रिजल्ट आउटपुट आ रहा है तो हम उसको कम से कम 7.5 लाख कर दें, और उसमें बच्चों के साथ उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। लेकिन जो अभी घटना घटी उसमें बच्चों का निर्णय है, मैं मानता हूं उसमें कोचिंग का इंटरफेरेंस नहीं के बराबर है। बच्चे ने खुद अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरे कंट्री में यह आंदोलन किया है, यदि कोई बात इस तरह की आ रही है शासन प्रशासन के द्वारा कि अमुक कोचिंग के पर फायर किया जाएगा, तो हम ऐसे चीजों का भी विरोध करेंगे कि आप आंदोलन को किसी व्यक्ति के कोचिंग से घसीट लीजिए। कोचिंग गलत होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस आंदोलन में बच्चे अपने लाइफ के साथ सिक्योर्ड होना चाह रहे थे। मैं नहीं मानता कि कोचिंग संस्थापक ने पूरे कंट्री के इन चीजों को इतना आंदोलित किया है। क्या बातचीत हुई है? हम अधिकृत हम मीडिया से बात करने के लिए, तो आप ही एक बार बताएंगे कि बच्चों को तो कुछ हाथ ऊपर करना, सर जो आंदोलन चल रहा था क्या कुछ नए आदेश जारी किए गए? आदेश आ गया है कि दोनों एग्जाम अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जैसा सर ने बताया 5 सदस्यीय समिति बन गई है, और वो समिति फीडबैक दे सकते हैं।